मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब सागर में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। सागर की शनिचरी का रहने वाला ये पॉजिटिव मरीज 25 साल का समीर है, जो टिकटॉक पर वीडियो बनाता है। समीर खान ने पिछले दिन एक वीडियो टिकटॉक पर डाला था, जिसमें वो मास्क का मजाक उड़ा रहा था। अरे भाई, हाँ भाई, वायरस की वजह से तुम मास्क नहीं पहनते भाई। इस कपड़े के टुकड़े पर क्या भरोसा रखना है, रखना है तो उस ऊपर वाले पे। अरे भाई, हाँ भाई, वायरस की वजह से तुम मास्क नहीं पहनते भाई। इस कपड़े के टुकड़े पर क्या भरोसा रखना है, रखना है तो उस ऊपर वाले पे। किसको पता था कि पिछले दिनों मास्क का मजाक उड़ाने वाला ये शख्स आज खुद मास्क पहनने को मजबूर हो जाएगा। स्टड बनकर टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाला समीर आज लोगों से दुआओं की भीख मांग रहा है। समीर ने हॉस्पिटल से टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बोल रहा है कि दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। प्लीज अपना सपोर्ट हमेशा मेरे ऊपर रखना। मैं आज से वीडियो नहीं डाल पाऊंगा टिकटॉक पे, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे कोरोना बताया है कि कोरोना वायरस हो गया मुझे। ठीक है मेरे भाई, सपोर्ट रखना और अपनी अपनी दुआ करना मेरे हक में। तो आपको बता दें कि ये युवक लॉकडाउन के चलते लोगों को मुफ्त में सब्जियां भी बांट रहा था। साथ ही समीर का जबलपुर कनेक्शन भी सामने आया है। खजरीखीरिया बाईपास के पास समीर की बहन का ससुराल है और 23 मार्च को बहन की एल्गिन अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। उसे मिलने के लिए समीर के माता पिता 24 मार्च को शहर गए थे। 25 मार्च को समीर के पिता लौट आए थे। हालांकि समीर के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अब उसके पिता का सैंपल लिया गया और जांच के लिए भेजा गया, और साथ ही संपर्क में आए बाकी लोगों की जांच की जा रही है। न्यूज डेस्क।